कार्ज एंड बाइक्स डिटेलर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं डिटेलिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप सभी ने कहीं ना कहीं जैसे कोई भी पब्लिक कार पार्किंग या पेट्रोल पंप में इस तरह के आउटलेट्स जरूर देखे होंगे, जहां पर वो बताते हैं कि इस प्रोडक्ट से आपकी गाड़ी की शाइन अच्छी हो जाएगी, स्क्रैचेस निकल जाएंगे, और वो फ्री डेमो भी देते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इसी के ऊपर होने वाला है। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल कार्स एंड बाइक्स रिटेलर में। तो चलिए हीरो डायमंड के इस कार केयर किट के रिव्यू वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये है आपके सामने यूरो डायमंड का ये कार केयर किट। इस किट में तीन प्रोडक्ट आते हैं, एक है वाटरलेस ऑटो गार्ड कोटिंग, जो दूसरा है वो है डैशबोर्ड शाइनर, और जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है इसका यूरो डायमंड का स्टेन रिमूवर। तो इसे मैंने एक पेट्रोल पंप में जब इनका लाइव डेमो चल रहा था तब मैंने खरीदा था। मैं इसे रिव्यू करने के लिए ही खरीदा हूँ, और ये वहाँ पर ये लगभग 999 इस प्राइस में बेचते हैं। हालांकि ये अमेज़ॉन में भी अवेलेबल है, जहां पर इसका प्राइस आपको 600 से 700 के बीच पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो स्टेन रिमूवर है, ये बेसिकली इसका टेक्सचर जब मैंने छू के देखा तो ये काइंड ऑफ ए रबिंग कंपाउंड है, मीडियम कट का, बहुत ही फाइन कट भी नहीं है। और ये जो डैशबोर्ड शाइनर है, इसे आप अपने प्लास्टिक ट्रिम्स में, जो बाहर में गाड़ी में जो क्लैडिंग वगैरह लगे रहते हैं, जो उस पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे इसमें लिखा हुआ है कि आप इसे अपने डैशबोर्ड में भी कर सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कितना शाइन आता है इससे, क्योंकि ज़्यादा शाइन होने से फिर वो आपके विजिबिलिटी पे, यानी जो आपका ग्लास है उस पर इसका रिफ्लेक्शन आने से फिर दिक्कत है। और जो तीसरा प्रोडक्ट है, इस पर मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि इसमें कोटिंग लिखा हुआ है। तो देखता हूँ कि ये आपके पेंट को कितना अच्छा प्रोटेक्शन देता है। तो बारी बारी से हम इन तीनों प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं आगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि इसका इफेक्ट कुल मिलाकर कैसा होता है, क्या 999 में ये तीनों प्रोडक्ट वर्थ है खरीदने के लिए, या इसका रिजल्ट कैसा है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम इस स्क्रैच पर करते हैं, जो कि नॉर्मली कंपनी वाले लाइव डेमो के दौरान दिखाते हैं, और इतनी बढ़िया तरीके से सफाई से करते हैं कि कोई भी कस्टमर इससे इंप्रेस होकर कन्विंस हो जाता है और इस प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है। तो दोस्तों, ये जो स्टेन रिमूवर है, ये छूने में आपको एग्जैक्टली एक मीडियम कट रबिंग कंपाउंड जैसा होता है। तो जब आप इसे स्क्रैच पर अप्लाई करके कपड़े से इस तरीके से रब करते हो, तो क्या होता है कि वो जो स्क्रैच वाला एरिया है वो हेजी हो जाता है, यानी धुंधला पड़ जाता है, क्योंकि ये जो रबिंग कंपाउंड है वो क्या करता है कि वहाँ का क्लियर कोट को थोड़ा थोड़ा निकाल देता है, जिससे क्या होता है कि उस हेजीनेस के अंदर वो जो स्क्रैच है वो छुप जाता है। अब क्या होता है कि इस हेजीनेस को छुपाने के लिए ये अपना दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो कि क्विक डिटेलर या डैशबोर्ड शाइनर। इसको स्प्रे करते ही क्या होता है कि इस हेजी जगह पर एक पतला लेयर बन जाता है, और ये लेयर टेम्परेरी है, तो इससे शाइनिंग आ जाती है, और बाकी जो पेंट का जो मिरर फिनिश है उसके साथ ये मिक्स हो जाता है, छुप जाता है, और आपको बताया जाता है कि देखिए आपका जो स्क्रैच है वो चला गया है, लेकिन ये टेम्परेरी है। आप जब नेक्स्ट टाइम अपने गाड़ी को वॉश करोगे उस जगह में, तो ये निकल जाएगा और वापस से वो जो धुंधलापन है या हेजी एरिया है वो आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस स्टेन रिमूवर का आप एक दूसरा इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। जैसे कभी कभार क्या होता है कि आपका गाड़ी का जो क्रोम डोर हैंडल्स या जो क्रोम पार्ट्स होते हैं, उसमें अगर इस तरह के ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं, जिसे नॉर्मल वॉशिंग से निकालना थोड़ा दिक्कत होता है, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट सही है। आप इसके जगह कोई भी टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो बेसिकली स्टेन रिमूवर को लगाकर आपको बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत ही लाइट प्रेशर से इस तरीके से अप्लाई करना है धीरे धीरे, और एक बार जब आपको ये छूने में काफ़ी स्मूथ लगे, तो उसके बाद आपको एक साफ माइक्रोफाइबर टॉयल से इसे अच्छी तरीके से वाइप कर लेना है, और आप देखेंगे कि इसमें जो भी ब्लैक स्पॉट्स या जो भी स्टेन्स थे आपके क्रोम हैंडल या जो भी क्रोम पार्ट्स है आपके गाड़ी में, तो वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस क्रोम डोर हैंडल में जो भी ब्लैक स्पॉट्स थे, जो भी दाग धब्बे थे, वो निकल चुके हैं। हालांकि इसमें कुछ स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि क्रोम डोर हैंडल को खोलते वक्त आपके नाखून से इसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं धीरे धीरे। तो आइए दोस्तों, आप जल्दी से इस यूरो डायमंड कार केयर किट का जो दूसरा प्रोडक्ट है, वाटरलेस ऑटो गार्ड कोटिंग, उसका रिव्यू हम इस गाड़ी पर इस्तेमाल करके कर लेते हैं। तो लाइव डेमो के दौरान मुझे ये बात बताया गया था कि इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आपका गाड़ी को टेफ्लन कोटिंग जैसा शाइन और प्रोटेक्शन मिलेगा, और इसके साथ ही आप इसको एज ए वाटरलेस कार वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में ही लिखा हुआ है साफ साफ कि इसे इस्तेमाल करने के लिए आपके गाड़ी को साफ होना जरूरी है। अगर आप इसका इस्तेमाल गंदे गाड़ी पर करते हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली बहुत सारे स्क्रैचेस मिलने वाले हैं। तो पहले आप अपने गाड़ी को साफ कर ले, अगर आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो। रही बात टेफ्लन कोटिंग जैसी शाइन की, तो मुझे शाइन में बहुत ज़्यादा इजाफा नज़र नहीं आया, और इसके बाद जब मैं इसे अच्छी तरीके से इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद माइक्रोफाइबर टॉयल से जब वाइप कर रहा था, तो
उंगली के फिरने से इसमें काफ़ी सारे स्ट्रीक मार्क्स और दाग नज़र आ रहे थे, जो कि बिल्कुल भी टेफ्लन कोटिंग जैसा बिहेवियर नहीं है। रही बात अगर प्रोटेक्शन असलियत में मिलती है, तो डेफिनेटली इसमें अगर मैं पानी को स्प्रे करूँगा तो ज़बरदस्त वाटर बीडिंग होनी चाहिए और पानी काफ़ी फास्ट पेंट के सरफेस से रोल करनी चाहिए। तो जब मैं इसमें पानी को स्प्रे कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें ज़रा सा भी वाटर बीडिंग नहीं हो रहा है। नॉर्मली हम अपने गाड़ी पर जब वैक्स या पेंट सीलन लगाते हैं तो ऐसा होता है, और पानी काफ़ी चिपक के जा रही है, रोल बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो डेफिनेटली इसमें टेफ्लन कोटिंग जैसा बिहेवियर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस कार केयर किट का जो लास्ट प्रोडक्ट है उसको हम जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं, जो कि है क्विक डिटेलर या डैशबोर्ड साइनर। तो इसका इस्तेमाल मैं अपने बाहर गाड़ी के जो भी प्लास्टिक ट्रिम्स और प्लास्टिक क्लैडिंग्स वगैरह है उस पर इस्तेमाल करूंगा। आप देख सकते हैं कि धूप में और काफ़ी दिनों तक वॉश करने के बाद ये इस तरीके से थोड़े वाइट वाइट हो जाते हैं। तो उस पर जब मैं स्प्रे का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो अच्छी खासी ब्लैक हो गई है और पहले जैसा इसमें लुक आ रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसको जब मैंने नेक्स्ट टाइम वॉश किया तो ये भी उतर गया, ये वापस से इसी तरह से वाइट हो गया था, और प्लस ये काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी भी अट्रैक्ट कर रहा था। और मैंने इसका इस्तेमाल डैशबोर्ड में इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा शाइन आ जा रही थी, तो उसका रिफ्लेक्शन विंडशील्ड पर पड़ने से विजिबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। तो बाहर के आपके जो भी प्लास्टिक ट्रिम्स है उसके लिए ये प्रोडक्ट लगभग ठीक ठाक है। लेकिन कुल मिलाकर मैं बोलूँगा कि ये जो किट है 999 में, यूरो डायमंड कार केयर किट, ये लगभग बिलो एवरेज प्रोडक्ट है। मैं ये किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। तो दोस्तों, आप प्लीज़ मुझे बताएं अगर आप ये प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं कि आपको ये इस्तेमाल करके ये प्रोडक्ट कैसा लगा, आपका अनुभव कैसा है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।